अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि 10 से 15 हज़ार की प्राइस में हमें काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो स्मार्टफोन है वो है क्यू मोबाइल की तरफ से, क्यू मोबाइल व्यू मैक्स प्रो। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो स्मार्टफोन में हमें 6.6 इंचज़ की डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि IPS डिस्प्ले है, और रेजोल्यूशन हमें 720p की दी जा रही है, यानी कि स्मार्टफोन में हमें HD+ डिस्प्ले मिल जाएगा और उसके साथ हमें Android 10 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। रैम और स्टोरेज की अगर बात करूँ तो स्मार्टफोन में हमें 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। ट्रिपल कैमराज का हमें सेटअप भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमें 13 MP का प्राइमरी सेंसर, 5 का माइक्रो और 2 का डेप्थ सेंसर भी मिल जाएगा, और फ्रंट साइड पे हमें 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की चिपसेट की, तो स्मार्टफोन में हमें MediaTek का चिपसेट दिया जा रहा है जो कि ऑक्टा कोर है, और 4000 mAh की हमें बैटरी भी मिल जाएगी, और यहाँ पर हमें नॉर्मल चार्जिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन की प्राइस की, तो ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान में 13,900 की प्राइस में लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में हमें मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें दूसरे स्मार्टफोन की, वो है शाओमी की तरफ से, शाओमी रेडमी 9 है। अगर बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो स्मार्टफोन में हमें 6.53 इंचज़ की डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि IPS डिस्प्ले है, और यहाँ पर भी हमें 720p की रेजोलूशन मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे भी हमें HD+ डिस्प्ले मिल जाएगा, और उसके साथ हमें एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट भी मिल जाएगा और MIUI 12 मिलेगा जो कि शाओमी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर बात करें स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पे हमें 2 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। चिपसेट की अगर बात करें, तो स्मार्टफोन में हमें MediaTek का हीलियो G25 का चिपसेट मिल जाएगा जो कि गेमिंग के लिए ठीक है, लेकिन नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक है। दोस्तों, अगर बात करें स्मार्टफोन की कैमरास की, तो बैक साइड पे हमें सिंगल कैमरा मिल जाएगा जो कि 13 MP का है, और उसके साथ हमें LED फ्लैश लाइट भी मिल जाएगा, और स्मार्टफोन में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर की सहूलत नहीं मिलेगी, यहाँ पर बस हमें फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट साइड पर हमें वाटर ड्रॉप नॉच में 5 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो स्मार्टफोन में हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और उसके साथ हमें नॉर्मल 10 वोल्ट की चार्जिंग भी मिल जाएगी। कनेक्टिविटी हमें MicroUSB की मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की, तो ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान में 14,000 की प्राइस में हमें ईज़िली मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें तीसरे स्मार्टफोन की, तो तीसरा जो स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स OTT 9 Play। अगर बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो स्मार्टफोन में हमें 6.8 इंचज़ की डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि IPS डिस्प्ले है, और यहाँ पे भी हमें 720p की रेजोल्यूशन मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे भी हमें HD+ डिस्प्ले मिल जाएगा, और उसके साथ हमें Android 10 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर बात करें स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पर भी हमें 2 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। अगर बात करें स्मार्टफोन की कैमरास की, तो बैक साइड पे हमें डुअल कैमरास का सेटअप मिल जाएगा, 13 MP का प्राइमरी और 2 का डेप्थ सेंसर हमें मिल जाएगा। और अगर बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट साइड पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच में 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। अगर बात करें स्मार्टफोन की चिपसेट की, तो स्मार्टफोन में हमें MediaTek का हीलियो A22 का चिपसेट मिल जाएगा। और अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो स्मार्टफोन में हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी, और उसके साथ हमें नॉर्मल 10 वोल्ट की चार्जिंग मिलेगी, यानी कि यहाँ पे हमें फास्ट चार्जिंग तो नहीं मिलेगा, जस्ट यहाँ पे नॉर्मल 10 वोल्ट की चार्जिंग मिलेगी। और अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की, तो ये जो स्मार्टफोन है 15,000 की प्राइस में अभी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमें ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट मिलेगा, 14,000 की प्राइस में हमें ये ईज़िली मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।